स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाइटारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिकअ कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिकअ कार्ड रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। ऑलराइट, मैंने डिसाइड किया है अब से इस चैनल पे हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं वीडियोस अपलोड किया करूंगी, तो प्लीज जरूर चेक किया करिएगा। अगर इस वीडियो के दौरान आपको कहीं भी वॉल्यूम कम लगे तो प्लीज हेडफोन्स यूज करिएगा। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhaitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ये है पाइल वन, इट सेज ऑनर योर सेल्फ। ये है पाइल टू, बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स। और ये है पाइल थ्री, स्पीक विथ इंटेग्रिटी। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही अवेलेबल हैं, तो वीडियो पॉज करके आराम से मेडिटेट करके पाइल्स के ऊपर अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पहले हम टैरो से उनकी फीलिंग्स देखेंगे और बाद में आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर पूरे वीडियो में कहीं पे भी आपको वॉल्यूम कम लगे तो प्लीज हेडफोन्स का यूज करिएगा। ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया है तो मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियोस अपलोड किया करूंगी, सो डू चेक देम आउट। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए हमारे पास है द मून, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर वन, इस वक्त आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी मेन ख्वाहिश जो है वो है आपके साथ दोबारा एक होना, आपसे बात करना, आपसे आपके पास कोई ऑफर लेके आना, कोई रोमांटिक ऑफर, कोई प्रपोजल। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ऑफ कोर्स ये कोई बहुत भारी भरकम प्रपोजल नहीं होने वाला है, जैसे कि शादी या मेरे साथ मूव इन करोगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरुआत छोटे स्तर पे ही होगी आपकी इस न्यू बिगिनिंग की। ये माफी हो सकती है सबसे इम्पोर्टेंटली, तो अदरवाइज बातचीत की शुरुआत हो सकती है। बट डेफिनेटली बहुत हेविली उनके दिमाग में अगर कोई ख्वाहिश इस वक्त चल रही है, कोई इच्छा जो चाहते हैं पूरी हो जाए, तो वो है आपसे बात करना, आपके पास वापस आना। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, जैसा कि साफ तौर पे क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स से हमें पता लग रहा है। इनकी चार्ट में कहीं पे भी कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ जोडियाक ही हो। आपका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, अगेन जोडियाक नहीं, चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकता है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे करंटली इन्हें जो एनर्जीज मिल रही हैं वो बहुत ही केयरिंग, कंपैशनेट, लविंग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये एनर्जीज डायरेक्टली उन्हीं के लिए हैं, बट इन द सेंस कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर ऑनलाइन अगर आपकी हरकतें देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो, मतलब आप जो हैं, आप बहुत ही शालीन, बहुत ही केयरिंग, हर किसी की भलाई सोचना, हर किसी की हर समय चिंता करते रहना, सबके लिए अपने दिल में बहुत प्यार रखना, उस किस्म के हैं। तो अगर आप सच में उस किस्म के हैं ग्रुप नंबर वन, तब तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। बट अगर ऐसा नहीं भी है, जस्ट इन केस, तो भी उनकी नजरों में तो आप ऐसे ही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि अपने दिल में वो आपके लिए बहुत बहुत फीलिंग्स रखते हैं किंग ऑफ कप्स से, वो उतनी फीलिंग जाया नहीं कर पाते हैं जैसा कि पेज ऑफ कप्स हमें बता रहा है। मतलब अगर वो आपके लिए फील करते हैं 10/10 तो वो व्यक्त करेंगे सिर्फ 5/10, या वो सिर्फ इतने छोटे स्तर पे कुछ जेस्टर्स करेंगे कि आपको लगेगा कि मतलब ये तो 5/10 वाली एनर्जी, आपको आपको एहसास ही नहीं होगा कि इनके दिल में कितना ज्यादा प्यार है आपके लिए। उतनी आसानी से वो ये चीज सर्फिस पे नहीं आने देते हैं। द मून कार्ड और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता लगता है कि हालांकि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, वापस से बात करना चाहते हैं, इनका डर इन्हें रोके हुए है, लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, जैसा कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स से हमें पता लग रहा है। अगर आप हर्ट हैं इस वक्त ग्रुप नंबर वन, तो ये भी हर्ट हो रहे हैं
ऑलराइट, लेकिन ये कार्ड परसिवरेंस दिखाता है, यानी कि हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये गिव अप कर चुके हैं, ये तो अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। वो इसलिए नहीं है कि ये लेना चाहते नहीं है, इसलिए है क्योंकि ये डर रहे हैं लेने से, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। डर इनको इस बात का है कि आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे वो चीज। हालांकि ये आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, तो डरना इनको चाहिए नहीं वैसे तो, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे इतनी ये स्टिक्स खड़ी हुई हैं, तो इनको डर है कि अगर ये आपके पास आए भी, इन्होंने वापस से अगर आपको अप्रोच करने की कोशिश की, तो आप बहुत गार्डेड हो जाओगी, आप शायद या हो जाओगे उतने अच्छे से आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, जैसा रिस्पॉन्स वो शायद चाहेंगे वैसा आपकी तरफ से उनको नहीं मिलेगा। और इस वक्त इसीलिए यही एक डर, यही एक चिंता इनको रोकी हुई है। ओवरथिंक करने की भी इनकी हैबिट हो सकती है, इन द सेंस कि शायद आपकी तरफ से ऐसा कोई सीन है ही नहीं, आप तो आपको उल्टा बैठ के हो सकता है इंतजार कर रहे हो कि कब इनकी तरफ से कोई मैसेज आया, कब ऐसा कुछ हो, बट ये इन्हीं का अपना ख्याली पुलाव है, अपने ही मन के व्यर्थ डर है इनके जो इनको रोके हुए हैं इस वक्त। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई सीन नहीं है, तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं या आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बट जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही है उन लोगों के लिए तो यही गुड न्यूज है कि करंटली जो ये सोच रहे हैं वो ये है कि कैसे आपके पास आए, आपके साथ एक होना चाह रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बस इनका डर इनको इनके पैर बांधे हुए है इस वक्त, इनके हाथ पैर बांधे हुए है इस वक्त, कोई एक्शन लेने से इनका डर इन्हें रोक रहा है। ऑलराइट ग्रुप नंबर वन, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ये कहता है इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। बेसिकली स्पिरिट आपको इस कार्ड से जो बोलना चाह रहे हैं ग्रुप नंबर वन वो ये है कि आपको इस इंसान से कम्प्लीटली मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली आपको इनका नाम अपनी लिस्ट से काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ये अपनी तरफ से आपके पास नहीं आ रहे हैं, जब तक ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब तक अगर आप चाहें तो और लोगों को डेट कर सकते हैं। वो टोटली आपकी मर्जी है, आप करना चाहो या नहीं करना चाहो, और जब ये वापस आए तब आप अपने कारण, मतलब जिसको भी आप उस वक्त डेट कर रहे हो उसको आप इनके लिए छोड़ना चाहो या नहीं, वो सब आपकी चॉइस है। बस आपको स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है कि कब ये अपने डर से बाहर निकलेंगे, कब ये एक्शन लेंगे, ऐसा होने के चांसेस हैं, वो स्पिरिट ने आपको मेरे जरिए बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि आपको इस चीज के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली शट ऑफ भी नहीं करना है आपको इसको, इस इंसान को, लेकिन मीनवाइल अगर कोई बहुत अच्छा जेन्युइन इंसान वाकई में आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपको डेट करना चाहता है, तो उनको मौका देने में भी कोई हर्ज नहीं है। और आपके लिए जो दूसरा एडवाइस कार्ड है वो है ऑनर योर सेल्फ। ये कहता है ऑनर द मैन और वुमन दैट यू आर, टेक द रिस्क टू एक्सप्रेस योर ड्रीम, Taking action is about living fully and expressing what you are. तो ये कार्ड बेसिकली ग्रुप नंबर वन जो आपसे कहना चाह रहा है वो ये है कि कभी भी ऐसा कोई काम मत किया करिए जो आपका करने का मन ना हो लेकिन आपको नहीं बोलना नहीं आता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को नो बोलना नहीं आता है, वो लोग कैसे बोलें, कैसे मना कर दें, उसको बुरा लगेगा और क्या सोचेगा, यही सब चक्करों में आप क्या करते हो, आप उल्टा, मतलब जिसको कि कहते हैं कुल्हाड़ी रखी और उस पर खुद ही जाके खड़े हो जाना, वो वाली सिचुएशन आपके साथ अक्सर हो जाती है ग्रुप नंबर वन। आपको सिर्फ वही चीजें करनी है, आपको सिर्फ वही एक्शंस लेने हैं जो उन चीजों के साथ अलाइन हो जो आपको सही लगती हैं, आप अपने लिए जो लाइफ इमेजिन करते हैं, जो लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ वही एक्शंस लीजिए जो उसके साथ फिट बैठते हो, ना कि वो चीजें जो 40 और लोग आपको करने को बोलते हों। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर वन, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। फ्राइडे को दोबारा दूसरी रीडिंग के लिए जरूर आइएगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे, प्लीज कीप दैट इन माइंड।
मीनवाइल अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhaitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच, और अगर आप नए हैं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऑलराइट, बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था बी योरसेल्फ अराउंड अदर्स, तो देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है। अगर आप कहीं भी वॉल्यूम कम लगे तो प्लीज हेडफोन्स का यूज करिएगा। अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया था तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वीडियोस अपलोड किया करूंगी, सो डू मेक श्योर टू चेक देम आउट। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज कोई और पाइल चूज करिएगा, या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए happyhaitaro@gmail.com पर मेल भेजिएगा। काफी बकवास हो गई, ऑलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी पर्सन की फीलिंग्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर टू, आपका पर्सन इस वक्त आपसे बहुत अपसेट है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने सच में उन्हें धोखा दिया हो, हो सकता है ये सिर्फ उनकी गलत फहमी हो कि आपने ऐसा कुछ किया है, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में जो चल रहा है इस वक्त वो यही है कि उनको आपसे धोखा मिला है, आपने उनको छोड़ के किसी और इंसान को चूज किया है। जरूरी नहीं आपने ऐसा किया ही हो, या हो सकता है आपने सच में किया ही हो ऐसा, और बाद में शायद आपको लगा हो कि नहीं यार पहला वाला ही बेटर था। जो भी केस हो, खैर ये उस चीज से बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं कि आपने इनका प्यार ठुकरा के किसी और को चुना, किसी और का प्यार चुना। तो वो धोखा इन्हें बहुत अपसेट कर रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि इस वक्त आपकी तरफ से वो कोई एनर्जी नहीं पिक कर पा रहे हैं, आपकी तरफ से रेडियो साइलेंस है बिल्कुल। हो सकता है आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर रखा हो, आप इनके सोशल मीडिया पोस्ट से भी बिल्कुल इंटरेक्ट ना करते हो, ना कोई लाइक ना कुछ, अपनी तरफ से आप इनको कभी भी अब मैसेज भी ना करते हो, कॉल भी ना करते हो। तो बेसिकली आपने इनके मुताबिक अपनी सारी एनर्जी विड्रॉ कर ली है इनमें से। हो सकता है सच में कर ली हो, सच में आप अब इनमें इनसे इतनी एक्टिवली बात ना करते हो जितना पहले करते थे, या जो भी सीन है फिलहाल आपकी तरफ से, क्योंकि कोई फीलिंग्स जाया नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उससे और ज्यादा ये अपसेट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो इनका दुख का कार्ड है, वो जिन दोनों कार्ड्स के बीच में सैंडविच्ड है, उससे यही पता लग रहा है कि इनके दुख के दो कारण हैं। पहला तो ये जो इनको लग रहा है कि इनको धोखा मिला है, अगेन मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है आपने दिया ही हो, हो सकता है ये सिर्फ इनकी गलत फहमी हो, या हो सकता है आपने सच में दिया हो, जो भी केस हो। तो एक इनके दुख का कारण तो ये धोखा है, भले ही सच का हो, भले ही मनगढ़ंत हो, और दूसरा चीज है ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी तरफ से जो बिल्कुल आप कोई एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है, उस वजह से भी ये बहुत ज्यादा दुखी हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि वो चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना, वो एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैशन ये अभी भी आपके लिए फील करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत पोजेसिव हैं आपको लेके, इसीलिए और भी ज्यादा इनको दुख हो रहा है, और भी ज्यादा हर्ट हो रहा है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपको किसी और के साथ देखना, अगर आप हैं इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी हैं और ये धोखा वाली सिचुएशन अगर मनगढ़ंत भी है, तभी भी ये आपको लेके बहुत पोजेसिव हैं, और इन्हें ये चीज खाई जा रही है कि क्यों आप इनसे बात नहीं कर रही हैं, क्यों आपकी एनर्जी एकदम से विड्रॉ हो गई है इनसे, ऐसा क्या रीजन है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो कुछ भी इनके अंदर चल रहा है, आपके लिए जो पैशन है, जो आना चाह रहे हैं आपके पास वापस, वो सारी चीजें अभी ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में वो बहुत इजीली किसी को नहीं पता लग पाता है। शायद जब आप दोनों साथ में थे तभी भी आपको बहुत मशक्कतें करनी पड़ती हों ये पता करने के लिए कि यार इसके दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है आखिर, क्योंकि ये उस किस्म के इंसान है जो कि बहुत ईजिली सबके साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं। बट डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे अभी भी, खासतौर पर सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एस्पेक्ट है और प्यार नहीं है, नहीं, प्यार वाली फीलिंग्स भी हैं और इतनी स्ट्रांग हैं, जितना
जितना ज्यादा हम किसी को प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा हमें दुख होता है अगर चीजें वैसी ना हो जैसा हम चाह रहे थे। तो वही चीज इनके साथ हो रही है। इतनी खराब एनर्जीज में इस वक्त इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये इतना प्यार करते थे कि इन्होंने उम्मीद नहीं की थी इस धोखे की जो कि उन्हें मिला है। अब सच में मिला है या वो सोच रहे हैं मिला है, जो भी सीन हो, फिलहाल हो सकता है आपको 444 दिखता हो क्योंकि मुझे अभी अभी दिखा। बट डेफिनेटली जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें दुख हो रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके हर्ट है, रिजेक्शन है, दुख है। ऑलराइट, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है। ग्रुप नंबर 2, पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। जैसे मुझे अभी अभी 444 दिखा, हो सकता है आप लोगों को भी रिपीटिंग नंबर्स दिखते हो। रिपीटिंग नंबर्स इन द सेंस जैसे 1111 हो गया, 222, 444, 777, कोई भी सीक्वेंस में अगर आपको नंबर्स दिखे तो उसको हम रेपिटिशियस रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं, एंजल नंबर्स कहते हैं। और इन सारे नंबर्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो स्पिरिट आपको बेसिकली ये बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 2 कि जब कभी भी आपको कहीं पे भी किसी भी रूप में रिपीटिंग नंबर दिखे तो 1 सेकेंड का वक्त लेके ये रिकॉल करने की कोशिश करिए कि क्या चीज आपके दिमाग में चल रही थी, क्या आप सोच रहे थे जब आपको वो नंबर दिखा। ऑलराइट, तो उसका आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे थे कि काश मेरा कोई नया बॉयफ्रेंड या नई गर्लफ्रेंड बन जाए और तभी आपको अगर 222 दिखे तो इसका ये मतलब है कि कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और आपके लिए दूसरा कार्ड जो हमारे पास है वो है बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स। ये कहता है द बिगेस्ट अजम्पशन दैट ह्यूमंस मेक इज दैट एवरीवन सीज लाइफ द वे वी डू, वी अज्यूम दैट अदर्स थिंक द वे वी थिंक, फील द वे वी फील, जज द वे वी जज एंड अब्यूज द वे वी अब्यूज। वी आर अफ्रेड टू बी आवर सेल्फ अराउंड अदर्स बिकॉज वी थिंक अदर्स विल जज अस, विक्टिमाइज अस, अब्यूज अस एंड ब्लेम अस एज वी डू आवर सेल्फ। बेसिकली ये कार्ड जो कह रहा है ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि दूसरे क्या कहेंगे उस चीज के डर से, उस चीज के चक्कर में अपनी ऑथेंटिसिटी को लूज मत करिए। वो चीजें करना मत बंद करिए जो आपको करना पसंद है। अपना जिंदगी जीने का तरीका दूसरों के डर से, सोसाइटी के डर से चेंज मत करिए। जितना ज्यादा आप वही चीजें करेंगे जिनमें आपको खुशी मिलती है, उसी ढंग से करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो उससे क्या होगा, आप ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। और जितना आप पॉजिटिविटी रखेंगे अपने आसपास, जितना पॉजिटिव आप महसूस करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। नई रीडिंग के लिए फ्राइडे को जरूर वापस से आइएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो कोई और पाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप मुझे happyhaitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था स्पीक विथ इंटेग्रिटी, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके क्या है। अगर आपको कहीं भी वॉल्यूम कम लगे तो प्लीज हेडफोन्स यूज करिएगा। कीप इन माइंड ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने इंट्रो स्किप कर दिया था तो मैं बता दूं कि मैं हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे नए वीडियोस अपलोड किया करूंगी, सो डू चेक देम आउट। हमारे पास है 2 of Wands, 6 of Cups, द स्टार, द एम्प्रेस, 2 of Swords और नाइट ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके बहुत ज्यादा सेंटी मार रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स थे उनको वो याद कर करके खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं कि अब वैसा नहीं रहा आप दोनों के बीच में सीन। 2 of Wands ये बताता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त फिजिकल डिस्टेंस बहुत है। हो सकता है वो किसी और सिटी में, स्टेट में या कंट्री में रहते हों और आप दोनों का इतना मिलना जुलना भी अब नहीं हो पाता है। ये चीज उन्हें बहुत दुखी करती है। द स्टार कार्ड द एम्प्रेस के साथ ये बताता है कि वो आपको एक स्टार के जैसे देखते हैं, एक ऐसी लड़की या एक ऐसे लड़के के जैसे देखते हैं जैसे हर कोई पाना चाहता है, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत डिजायरेबल है।
द एम्प्रेस कार्ड के साथ यहाँ पे अगर आप लड़की हैं तो ये भी पता लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना। कभी भी अगर उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, तो वो आप ही को इमेजिन करते हैं अपनी बच्चों की माँ के रूप में और किसी को नहीं। ऑब्वियसली अगर आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऐसा कोई सीन है, तो ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उतना ही लो या कोई और पायल आप ले सकते हो। खैर, ये इंसान आपका सोलमेट है, वो तो चीज सिक्स ऑफ कप्स के साथ कंफर्म होती है, और वो ये विश कर रहे हैं स्टार कार्ड के साथ कि आप दोनों वापस एक हो। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो, ये कोई नया कनेक्शन तो नहीं है डेफिनेटली, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप बहुत वक्त से जानते हैं, शायद बचपन से जानते हो, साथ में स्कूल में पढ़ते थे या साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा कोई सीन भी हो सकता है, बचपन में सेम नेबरहुड में थे, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स ही इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं ऑफर लेके। ऐसा हो सकता है कि ये जो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं ये इन्होंने साफ तौर पे कभी भी आपको बताई नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा अंदाजा है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, बट अपने मुंह से कभी भी इन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये बताना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं ऑफर लेके, लेकिन टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि जितनी बार ये सोचते हैं आपके पास आने का, आपको ऑफर देने का, बात करने का, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने का, उतनी बार जो चीज इन्हें कंफ्यूजन में डाल देती है वो है ये डिस्टेंस। इनको समझ में नहीं आता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे काम करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स लोगों की चलती नहीं है, बहुत सारी मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स देखी हैं जो सक्सेसफुल हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप ध्यान में रखिए रीडिंग देख रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल किस्म के हैं, इसीलिए उन्हें शायद अभी अपने आसपास ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा है जिससे कि वो थोड़ा पॉजिटिव हो सके इस चीज को लेके कि हाँ वी कैन मेक दिस वर्क, या कोई ऐसा तरीका हम निकाल सकते हैं, कोई मिडिल वे निकाल सकते हैं जिससे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज वर्कआउट हो जाए। उन्हें अभी दूर दूर तक कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं सूझ रहा है, बट वो चाह रहे हैं कि कुछ हो ऐसा, क्योंकि द स्टार कार्ड से यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि एक उनकी इच्छा ये भी है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे ये डिस्टेंस खत्म हो सके और वो आपके पास आ सके। ऑफ कोर्स इसके लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड होगी, या तो आपको सब कुछ छोड़ के उनके पास जाके रहना पड़ेगा, या फिर उनको सब कुछ छोड़ के आपके पास आके रहना पड़ेगा। और ऐसा करना ठीक होगा कि नहीं, अगर ऐसा किया तो क्या गारंटी है रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, ये सारी जो डाउट्स हैं वो इनके दिमाग में बहुत हैवीली इस वक्त चल रहे हैं, जिस वजह से ये एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। और उसी रीजन की वजह से, हालांकि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना चाह रहे हैं, लेकिन इनका ये जो कंफ्यूजन है, जो डिसीजन ना ले पाना वाली सिचुएशन है, उस रीजन से ये अभी आपसे इस बारे में ना तो बात कर रहे हैं ना सामने आ रहे हैं। हो सकता है इनकी तरफ से ऐसा कोई जेस्चर या कोई एक्शन ना हो, तो आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि इनके दिमाग में, दिल में ये सब चल रहा है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ये जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है वो सब इनके दिमाग में इंटरनली हो रही है। शायद अगर ये आपसे बात करते तो आप इनको कोई तरीका बता सकते थे कि कैसे हम ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले फैक्टर पे वर्क कर सकते हैं, बट ये आपके साथ आने का सोचना लेकिन फिर खुद को रोक लेना डिस्टेंस की वजह से, ये सारी चीजें इनके दिमाग में करंटली चल रही हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे पास स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वॉच योर थॉट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, नॉट व्हाट यू फियर। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं, एक दूसरे के मिरर्स हैं, शायद जैसे ये इस वक्त बहुत ज्यादा जो चीजें नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये भी इस वक्त उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और शायद आप भी।
स्पिरिट आपको इसीलिए यही बोल रहे हैं कि जो चाहते हो उसकी तरफ ध्यान लगाओ, ना कि अपने डर की तरफ, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, वो इतनी ताकत रखते हैं कि हम जो सोचे वो सच में हो जाए। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा पेसिमिस्ट रहते हैं, जो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, यही बोलते रहते हैं कि हाय हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, या ऐसा होगा होगा, उनके साथ वही होता रहता है। तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप सिर्फ उन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, उतनी ही जल्दी, उतनी ही बेहतर वो चीजें आपके साथ होंगी, आपकी लाइफ में होंगी। इसीलिए सिर्फ उन चीजों पे ध्यान लगाइए जो आप चाह रहे हैं, ना कि अपने डरों के ऊपर। ऑलराइट, और दूसरा कार्ड हमारे पास आपके लिए है स्पीक विथ इंटेग्रिटी। ये कहता है से ओनली व्हाट यू मीन, अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योरसेल्फ और टू गॉसिप अबाउट अदर्स, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। ये कार्ड ये कहता है ग्रुप नंबर 3, मैं ये नहीं कह रही आपकी आदत है लोगों के बारे में गॉसिप करने की, लेकिन अगर है भी तो मत किया करिए, एटलीस्ट तब तक नहीं किया करिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और खासतौर पर तो तब मत किया करिए जब आपको मालूम नहीं है कि जो चीज आपने 10 जगह से सुनी है वो सच है भी या नहीं। तो बिना किसी चीज का सच जाने कोई इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन मत करिए, दूसरे लोगों के बारे में बिचिंग, बैक बाइटिंग, गॉसिप वॉसिप ये सब मत किया करिए, अपने शब्दों का यूज बहुत केयरफुली किया करिए, गुस्से में लोगों को चीजें मत बोला करिए, बाद में आप ही को रिग्रेट होगा और आपने जो कुछ भी बोला आप उसको वापस नहीं ले पाएंगे, उससे अननेसेसरीली ड्रामा क्रिएट होगा। तो बहुत सोच समझ के चीजें बोलिए, दूसरों के बारे में बातें करना अवॉइड करिए, खासतौर पे तब जब आपको मालूम नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे लोग दे रहे हैं वो सच है भी या नहीं। ऑलराइट ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं, फ्राइडे को दोबारा जरूर चेकआउट करना, चैनल मत भूलिएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं की तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे happyhaitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।